मैं आप सबके लिए लाई हूँ चुरमुरी चिलवा मछली फिश फ्राई, जो बनेगी बहुत जल्दी। तो फिर पूरा वीडियो देखिएगा आखिरी तक। हाय गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इजी कुकिंग विद नीलू। तो आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ चुरमुरी फिश फ्राई रेसिपी, जो खाने में बहुत टेस्टी और बन भी जाएगी जल्दी। तो चलिए आज की रेसिपी हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने लिया है चिलवा मछली, ये एक पाव है। हम लोगों ने इसको अच्छे से 4 से 5 पानी से धुल लिया है और इसकी अंदर की गंदगी भी निकाल ली है और मछली की स्किन भी साफ कर दी है। स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 बड़े चम्मच हमने लिया है सरसों। आप कोई भी सरसों ले सकते हैं, पीली सरसों भी ले सकते हैं या काली सरसों भी ले सकते हैं। 1 चम्मच जीरा, यहाँ पे हमने लहसुन लिया है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा है, करीब 20 से 25 कली हमने यहाँ पे लहसुन का इस्तेमाल किया है। फिश फ्राई के लिए तेल, हमने यहाँ पे सरसों तेल का यूज किया है। आप भी सरसों तेल ही का यूज करें, उसमें फिश फ्राई बहुत अच्छी बनती है और स्वाद तो बहुत ज्यादा अच्छा आता है। चलिए अब हम लोग चुरमुरी चिलवा मछली फिश फ्राई बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक मिक्सर जार लेंगे, इसमें हम लोग सरसों डालेंगे, अब जीरा डालेंगे और लहसुन की कलियां, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, हम लोग थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट गीला नहीं रहना चाहिए। हमारा पेस्ट तैयार है, आप देख सकते हैं कि हमारा पेस्ट ना ज्यादा गीला है ना ज्यादा सूखा, ये आराम से हम लोग मछली पे लपेट सकते हैं। अब हम लोग इसको मछली में डालेंगे और मछली को अच्छे से हम लोग पेस्ट से कवर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ऐसे हाथों की मदद से आप इसको एकदम अच्छे से कवर कर दें, ताकि जब हम लोग फिश फ्राई करें तो मछली में वो सारा पेस्ट का स्वाद आए। हमने पेस्ट को अच्छे से मछली में लपेट लिया है, अब हम लोग फिश फ्राई करेंगे। गैस पे एक तवा चढ़ाएंगे, अगर आपके पास पैन है तो आप पैन चढ़ाएं या फिर कढ़ाई भी चढ़ा सकते हैं। गैस फ्लेम ऑन करेंगे और तवा को गर्म होने देंगे। तवा हमारा गर्म हो गया है, अब हम लोग इसमें सरसों का तेल ऐड करेंगे। हमें ज्यादा सरसों का तेल ऐड नहीं करना है, फिश फ्राई करने तक के लिए ही हमें तेल ऐड करना है। तेल को हम लोग अच्छे से फैला लेते हैं तवे पे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम लोग इसमें मछली डालेंगे। गैस का फ्लेम लो रहेगा। हमने मछली को तवे पे डाल दिया है, अब हम लोग मछली को 5 मिनट तक बिल्कुल नहीं छुएंगे। गैस का फ्लेम लो रहेगा, अगर आप मछली को छुएंगे तो मछली टूट जाएगी। 5 मिनट हो गए, अब हम लोग मछली को दूसरी साइड पलट लेंगे। हमने सारी मछलियां पलट ली हैं, अब हम लोग इसको दूसरी साइड भी लो फ्लेम पे 5 मिनट तक पकने देंगे। 5 मिनट हो गया है, अब हम लोग फिर से मछली को पलट ली। हमने सारी मछलियां पलट ली हैं, अब हम लोग गैस का फ्लेम लो मीडियम कर देंगे और दूसरी साइड भी 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। हमने दोनों साइड 3 से 4 मिनट फ्राई कर लिया है, हमारी मछली तैयार है। गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और आपको हम लोग सर्व करके दिखाते हैं। हमारी टेस्टी चुरमुरी चिलवा मछली फ्राई बनके तैयार है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा टेस्टी लग रही है, उतनी ही ज्यादा ये टेस्टी है। बनाने में तो बहुत कम समय लगा है, जल्दी भी बन गई और बहुत टेस्टी भी बनी है। तो अगर आपको हमारी ये फिश फ्राई की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल इजी कुकिंग विद नीलू को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी ज़रूर क्लिक कीजिए। हमें सपोर्ट कीजिए, हम लोग और ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज आपके लिए ज़रूर लाएंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।